आज देख इसका मिरर है, क्या हो रहा है बेटे? अरे अरे प्रिया, तो हाथ लगा तो बोल। अरे आकाश बेटे, क्या हो रहा है? दादी इसको बोलो ना, समझाओ इसको। आकाश आकाश बेटे, छोटी बहन है। दादी देखो ना, हमेशा ऐसे ही करते हैं। आकाश आकाश मान जाओ बेटे। दादी जब मैं खेलता तब तो ये मेरे खिलौने ले लेती है। प्रिया छोटी बहन है बेटे। रश्मि, ओ रश्मि। हाँ इधर आओ, ये क्या है? घर में एक भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। आती हूँ। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? टाई कहाँ है मेरी? अरे ये तो बड़ी टाई, सामने रखी हुई चीज आपको नजर नहीं आती है, ये लो। सॉरी। और आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? आज तो चुनाव है, आज हमें वोट देने जाना है। मुझे नहीं देना कोई वोट। वोट लेकिन क्यों? वोट तो देना ही है। क्या हो जाएगा वोट देने से मेरे और मेरे इवेंट वाले और मेरे प्रोग्राम वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे आप ऐसी क्या बातें कर रहे हैं? नहीं मुझे कोई वोट वोट नहीं देना, तुम तो अपना काम करो, जाओ। आ जाओ मैं नाश्ता लगा रही हूँ। आता हूँ, थोड़ा जल्दी करना मैं लेट हो रहा हूँ। रश्मि आज इलेक्शन है, आज अपने को वोट डालने चलना है। जी पापा। सब एक साथ चलेंगे, तैयार हो जाना टाइम पे। यशवंत आज तो आपके भी छुट्टी होगी ना? हाँ पापा छुट्टी तो है, पर मुझे कुछ का और काम है। पर पापा मेरे वोट डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे क्या बात कर रहे हो यशवंत, वोट का महत्व तुम नहीं समझते, वोट कितना जरूरी होता है। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटे, तुम जब बड़े हो गए ना तब सब समझ। अच्छा पापा मैं चलता हूँ। देखो बेटा यशवंत, आज इलेक्शन डे है और अपना जो देश है भारत, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के लिए समय समय पर चुनाव होते हैं और हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम उस मतदान में अवश्य हिस्सा लें और अपने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और बाबा आप जानते हैं शादी ब्याह का सीजन है, मुझे इवेंट मैनेजमेंट की सारी तैयारी देखनी है, मैं इतना स्पेयर नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ बेटे तुम्हारी समस्या, लेकिन मेरी बात सुनो, मतदान सुबह 8 बजे शुरू होता है, 8 बजे कोई भीड़ नहीं होती है और आपके कर्मचारी 9 बजे आते हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? दोनों काम हो जाएंगे, मतदान भी हो जाएगा और आपका इवेंट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। अगर सभी ऐसा सोचने लग जाएं, तो इस देश के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कैसे होंगी, है ना? हैं? जैसे सेना सीमा पर सेना के जवान अपनी जान नौछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम देश के लिए कुछ ना कर सकें तो मतदान देकर इसके लोकतंत्र को मजबूत तो कर सकते हैं। सही है। आप ठीक कह रहे हैं पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे काम के प्रेशर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे देश को मेरे वोट की कितनी जरूरत है। चलो मैं इवेंट का काम देखता हूँ, आप जाते वक्त मुझे लेते जाइएगा। चलो ठीक है, हम लोग ले लेंगे। जी पापा। वहाँ तुमको साथ ले जाऊंगा, वो तुम सारी बातें तुमको समझाएंगे। समय पे तैयार हो जाना। ओके चलो ओके वेरी।